हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। तो दोस्तों, यदि आपको सेक्शन सी में 12 नंबर चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सेक्शन सी के ग्रामर के 5 टॉपिक कराने वाला हूं, जिससे कि आपके 12 नंबर आ जाए। तो दोस्तों, ये 5 टॉपिक आपके 12 नंबर के आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन सी में आपका टॉपिक ग्रामर का पूछा जाता है, और ग्रामर में दोस्तों आपका छठा प्रश्न पूछा जाता है, और छठा प्रश्न दोस्तों आपका टेंस से पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, टेंस से आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक नंबर के। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपका, राम डैश फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे अराइव। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा, क्योंकि दोस्तों यस्टरडे हमें बताना है कि यस्टरडे जो होता है वो कौन से टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो दोस्तों, हमने देखा कि यस्टरडे जो होता है वो आपका पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है, और दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपका आएगा अराइव्ड। तो यहाँ पर दोस्तों हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या लगा देंगे दोस्तों, ईडी लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अराइव्ड, ए डबल आर आई वी ई डी। तो ये होगा दोस्तों आपका अराइव्ड। अराइव्ड हमने इसलिए बना क्योंकि यस्टरडे आपका पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो सेकंड देखते हैं दोस्तों, सी डैश हर वर्क बिफोर अली कैम, और ब्रैकेट में दोस्तों आपके फिनिश। दोस्तों, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आफ्टर और बिफोर से आपका हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये आपका बिफोर से हमें पता होना चाहिए दोस्तों, बिफोर से पहले क्या आता है और बिफोर के बाद क्या आता है। तो दोस्तों, बिफोर के बाद तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और बिफोर से पहले दोस्तों आपकी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमने देखा कि दोस्तों यहाँ पर बिफोर के बाद तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें यहाँ पर दोस्तों बनना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा आपका हेड, और फिनिश का क्या हो जाएगा दोस्तों, फिनिश्ड, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या लगा देंगे दोस्तों, ईडी लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, सी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर अली कैम। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर तैयार करना है। यह आपका आफ्टर से पूछ सकता है और बिफोर से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ही यूजली डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों, जो आपका इसमें यूजली है वो आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपका एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपके फर्स्ट फॉर्म के अंत में हमें क्या लगाना है दोस्तों, एस या ई एस। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, गेट्स आ जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका, ही यूजली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वी डैश हर सिंस 2014, वो ब्रैकेट में दिया हुआ है दोस्तों आपको लाइव। तो दोस्तों, अब इसमें आपको बताना है कि कौन से टेंस की पहचान है। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो सिंस फोर होता है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, और दोस्तों आपके यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का आपका जो समय दिया हुआ है दोस्तों क्या है, प्रेजेंट समय। तो दोस्तों, इसमें आपका आ जाएगा हैज बीन लिविंग। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, हैज बीन लिविंग। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, वी हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2014। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपका, सातवां प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों आपका, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सातवां प्रश्न दोस्तों आपका इनडायरेक्ट का होता है, या आपके दो नंबर के पूछे जाते हैं। तो पहला देखते हैं दोस्तों, पहला है आपका, माय फ्रेंड सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा, डू यू लाइव इन दिस हाउस। तो दोस्तों, इसको आपको अब इनडायरेक्ट में बदलना है। तो चलिए दोस्तों बदलते हैं। तो दोस्तों, इसमें माय फ्रेंड का आपका आ जाएगा माय फ्रेंड, और सेड टू के स्थान पर दोस्तों हमें क्या बदलना है, आक्सड आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड, ये हो जाएगा दोस्तों आपका, माय फ्रेंड आस्क्ड मी, माय फ्रेंड आस्क्ड मी। और दोस्तों, इन्वर्टेड को हम हटाते हैं, तो दोस्तों हमें क्या लगाना है यहाँ पर, इफ़,
क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। यदि आपका डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता तो हम यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करते। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमने दोस्तों इफ का प्रयोग किया, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ही हुआ, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ। और दोस्तों हमें देखना कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दोस्तों सब्जेक्ट आपका यू, और यू दोस्तों आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन दोस्तों ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो दोस्तों हो जाएगा आपका माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, यू आपका सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों यहाँ पर मी, तो मी का क्या हो जाएगा दोस्तों आई, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों आई लिव्ड, आई लिव्ड इन दिस का क्या हो जाएगा दोस्तों डैट, और हाउस का हाउस। तो दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, हमने इसको किस में बदल दिया दोस्तों पास्ट टेंस में बदल दिया, और यहाँ पर क्या दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने दोस्तों प्रयोग कर दिया। समझ में आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट दोस्तों, ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो दोस्तों ये आपको इसको भी आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो दोस्तों ये आपका प्लीज से स्टार्ट है, तो दोस्तों जो प्लीज से स्टार्ट होता है तो वो हमें रिक्वेस्ट में बदलना होता है। तो दोस्तों हो जाएगा आपका ही सेड टू के स्थान पर हम दोस्तों प्रयोग करेंगे रिक्वेस्टेड का, तो ये हो जाएगा आपका ही रिक्वेस्टेड मी का, मी इन्वर्टेड को हटाएंगे दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे टू का, और फिर क्या लगाएंगे दोस्तों इसको हटा देंगे प्लीज को, क्योंकि हमने रिक्वेस्टेड का हमने प्रयोग किया है। तो ये हो जाएगा आपका ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्राइंग। अब दोस्तों जो ये मी है ये आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन होता है दोस्तों आपका सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है दोस्तों यहाँ पर आपका ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों हिम। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, अब मैं इसको दोबारा से बताता हूँ, ये हो जाएगा आपका ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्राइंग, ही का क्या हो जाएगा दोस्तों हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ये इस प्रकार आपका वो तैयार हो जाएगा। अब आठवां प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का देखते हैं दोस्तों, ए ग्रेट मैनी सीट्स ऑफ फाइन पेपर डैश ऑन द बेड टेबल। तो दोस्तों आपको पता है कि ए ग्रेट मैनी होता है, तो ए ग्रेट मैनी के साथ दोस्तों हमेशा वर्ब क्या आती है प्लूरल आती है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका वर्ब आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका देयर डैश ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स। तो दोस्तों देयर के साथ हमेशा वर्ब क्या आती है दोस्तों सिंगुलर आती है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका वाज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स। तो दोस्तों जो ये वर्ब आती है आपके इसके अनुसार आती है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपका, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो दोस्तों आपका इसमें एक्टिव दिया होता है, हमें इसका पैसिव बनाना होता है। तो पैसिव बनाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों ए लेटर, ये आपका एक्टिव, प्रतीक विल राइट ए लेटर। अब इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए लेटर, ए लेटर। ये फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस किस में चेंज होता है दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। तो ए लेटर विल बी, ए लेटर विल बी, और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों रिटर्न, ए लेटर विल बी रिटर्न बाय प्रतीक। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा बाय प्रतीक, तो इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। इसको मैं दोबारा बताता हूँ दोस्तों, ए लेटर विल, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपको दोस्तों बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों रिटर्न, फिर बाय, फिर प्रतीक। अब नेक्स्ट दोस्तों, प्लीज़ ओपन योर बुक, ये आपका प्लीज से स्टार्ट है, तो हम इसको यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों आपका यू आर रिक्वेस्टेड के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों टू ओपन योर बुक, ये आपका इस प्रकार चेंज
हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर बुक। दोस्तों ये आपके दो नंबर के पूछे जाते हैं। अब दसों क्वेश्चन दोस्तों आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन टेक्स से पूछा जाता है, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पहले देखते हैं, आई क्रॉस्ड द रिवर बाय बोट, यह आपको जोड़ना है दोस्तों हाउस से। तो देखा यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, हाउस से जोड़ना है, और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद दोस्तों क्या आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें दोस्तों, डिड है। तो डिड के बाद हमें दोस्तों क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों इसमें, आई। तो आई का क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू। तो यू और उसके बाद डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें वर्ब क्या है, क्रॉस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्रॉस। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, किसके द्वारा हो रहा है, द रिवर। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों द रिवर। तो इस प्रकार आपका ये तैयार हो जाएगा। इसको मैं दोबारा बताता हूँ दोस्तों, हाउ डिड, उसके बाद आ जाएगा आपका दोस्तों यू क्रॉस द रिवर, और अंत में दोस्तों आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब नेक्स्ट है आपका दोस्तों, मोहन विल गो टू स्कूल। तो दोस्तों इसका आपका टैग क्वेश्चन बनाना है, मोहन विल गो टू स्कूल। तो दोस्ती हो जाएगा आपका वॉन्ट, और मोहन का क्या होता है दोस्तों, ही। तो ये हो जाएगा आपका वॉन्ट ही। तो ये आपका क्वेश्चन टैग तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको ग्रामर के टॉपिक समझाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।